Hello students, students today we will discuss the updated syllabus of class 9th SSC of the year 2020 and 21. Here in a, your class in a history chapter, the chapter first French revolution, the chapter second Russian revolution and the chapter third Nazism and the rise of Hitler. स्टूडेंट्स यही तीन चैप्टर ही इस बार आपके हिस्ट्री में रखे गए हैं इन्हीं को आपको पूरे साल रिवाइज करना है पढ़ना है ज्योग्राफी में आपके स्टूडेंट्स जहाँ पे छः पाँच छः लेसन हैं वहाँ पर कट करके केवल चार लेसन को ही शामिल किया गया है उनमें से फर्स्ट चैप्टर आपका है साइज एंड इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर सेकेंड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया चैप्टर थर्ड क्लाइमेट एंड चैप्टर फोर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन्हीं चार चैप्टर के अलावा आपको कोई भी चैप्टर ज्योग्राफी में नहीं पढ़ने हैं आइए बात हम करते हैं सिविक्स के स्टूडेंट्स चैप्टर फर्स्ट व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाइड डेमोक्रेसी चैप्टर सेकंड कंस्टिट्यूशनल डिजाइन चैप्टर थर्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड चैप्टर फोर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस तो स्टूडेंट्स इधर सिविक्स में भी चार लेसन को सम्मिल शामिल किया गया है जबकि हिस्ट्री में तीन लेसन और आपके जोग्राफी सब्जिक्स में चार चार लेसन को ऐड किया गया है हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स में जहाँ पर बहुत सारे लेसन हैं उनमें से केवल आपका तीन लेसन इसमें शामिल किया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट है, है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर सेकेंड द पीपुल एज आ रिसोर्सेस एंड थर्ड पावर्टी एज आ चैलेंज तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो फोर मीन्स थ्री लेसन इधर हुआ स्टूडेंट्स आपका हिस्ट्री में फोर लेसन आपके जोग्राफी में फोर सिविक्स में और थ्री लेसन आपके इकोनॉमिक्स में टोटल देखा जाए तो लगभग लगभग आपके शामिल किए गए हैं फोर्टी लेसन ठीक है ना तो फोर्टी लेसन को हमको इस बार पढ़ना है और एक बात ध्यान रखना है आपका कि थर्टी परसेंट सिलेबस कट कर दिया गया है बाय द सी बोर्ड ठीक है ना क्यों कट कर दिया गया है आपको पता ही है क्योंकि कोविड नाइन्टीन बीमारी चल रही है इसकी वजह से ना तो स्कूल खुल पा रहे हैं ना ही कोई इंस्टीट्यूशंस मीन्स हर उस भीड़ भाड़ वाले इलाके को बंद कर दिया गया है जहां पर इस बीमारी का फैलने की आशंका है तो स्टूडेंट्स इसी को देखते हुए सिलेबस कम किया गया है आपको आसान होगा पढ़ने में स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैप वर्क है इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैप वर्क कोई ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है इसमें स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो बस जोग्राफी से आपका पूछा जाएगा जिसमें से अलॉन्ग विद ड्रेनेज ड्रेनेज लेसन आपका शामिल तो किया नहीं गया है ध्यान तो आपने दिया ही होगा जिसमें हम नदियों की बात करते हैं हिमालय रीजन की नदियाँ और प्लेटू रीजन की नदियाँ बट वहाँ से मयपुर का आपका आएगा तो मीनस जो ये चैप्टर दिए गए हैं जोग्राफी के इनमें से यहाँ से यहाँ क्लाइमेट से यहाँ से भी पा सकता है और एक लेसन आपका और शामिल किया गया है बेटा ट्रेनेज का आई होप आपको ये जानकारी बहुत ही हेल्पफुल होगी आपको समझने में पढ़ने में स्टूडेंट्स हमारे बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं क्लास टेंथ को लेकर के हम नाइन्थ का भी वीडियो बनाएंगे सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू स्टूडेंट्स